अगर आपने नवंबर महीने का बजट बना लिया है और आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ ही आपकी जेब को ढीली भी कर सकते हैं। इन बदलावों में ट्रेन का टाइम चेंज होने के साथ ही पीएम किसान योजना, जीएसटी रिटर्न कोड, रसोई गैस खरीदना और दिल्ली एम्स में ओपीडी कार्ड बनवाने जैसे नियम भी शामिल हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन सभी बदलने वाले रूल्स पर जिनसे आपको 1 नवंबर से दो चार होना होगा। दिल्ली एम्स में फ्री होगा ओपीडी कार्ड। एम्स में पर्ची बनवाने के लिए 10 रुपए की फीस नहीं देनी होगी। मरीजों के लिए 300 रुपए तक के सभी यूजर चार्ज माफ होंगे। ट्रेनों की टाइमिंग में होगा बदलाव। 1 नवंबर से बदल सकता है ट्रेनों का टाइम टेबल। 1 अक्टूबर रखी थी डेडलाइन, राजधानियों के समय में भी बदलाव होगा। ओटीपी से मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा ओटीपी। सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना होगा। पीएम किसान योजना के बदले नियम। योजना के लाभार्थी आधार नंबर से चेक नहीं कर पाएंगे स्टेटस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देकर ही स्टेटस चेक कर सकेंगे। जीएसटी रिटर्न में देना होगा कोड। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को लिखना होगा 4 अंकों का एचएसएन कोड। पहले अनिवार्य किया गया था 2 अंकों का एचएसएन कोड। इंश्योरेंस के लिए केवाईसी अनिवार्य होगी। सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए केवाईसी अनिवार्य होगी। नहीं दिखाने पर क्लेम खारिज हो सकता है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन। उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी जिन्होंने कराया होगा रजिस्ट्रेशन। 200 यूनिट तक फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विमान में ले जा सकेंगे पालतू पशु। अकासा एयर के विमानों में ले जा सकेंगे पालतू जानवर। नवंबर से कंपनी शुरू करेगी कार्गो सर्विस।